ये था कि तो मैं भी नहीं चल पाती हूँ साड़ी में जितना रूपाली गई। बड़ी अच्छी होती है वो लेडीजों पे लग जाती है तो इसलिए लड़कियाँ नहीं जाएंगी। नहीं, नहीं जाती। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज पूजा आएगी रूपाली की जिसमें धारा मतलब रूपाली पूजा करेगी आरती करेगी मेरे जय हो रूपाली माता जिसमें रूपाली वो करेगी धारा पे पूजा करेगी। ये अच्छी तो है ये सारी। और की सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए भाई और भाभी हो रहे हैं तैयार। भाभी का सूट दिखाना भाभी कश्मीरी सूट कितना सही है बहुत खुला होता है बट अच्छा होता है आप ये पहनोगे भाभी Yes. मस्त लगेगा रूपाली साड़ी पहनेगी ये वाली और ये सारे रेडी हो चुके हैं। ये भी उठ गया भाई इनफैक्ट मैं ये नहीं पहनता साड़ी वाड़ी नहीं नहीं साड़ी निकाल दिया लाल कलर की दो ना लाल कलर की साड़ी चाहिए रोनी थोड़ी बहुत तो ये पहन वो फिर जचती है दुल्हन फिर तू ही लगेगा ना रोनी पर लाल कलर की साड़ी पहनता भाभी अबे यार शिट रोनी ने मजाक लग रहा है अकेला मैं रह गया हूँ जो अभी तक रेडी नहीं हुआ अभी उठाऊ अब जाके मैं भी फ्रेश न होके नहाने जाने सबसे पंखे वाला काम है नहाने जाना तो है ही नहीं बेटा एक्चुअली लाइट गई भाई। अभी फिलहाल रोनी मैंने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है यहाँ पर पानी इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है ना कि वो हाथ में भी नहीं डाला जा रहा बट वो पानी लकड़ में गर्म करके ना अजीब सा हो जाता है तो सारे ही नहा के गर्म करके भाभी अन्नू रोनी वो यार डॉगी भी आ गया मैं डर गया था तो अभी हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम धारा जा रहे हैं धारा में नहाएंगे ठंडे पानी से देखते हैं कि गोता मार ही देंगे या तो मर जाएंगे या तो ब्रेव कहलाएंगे। वो देखो कैलाश पर्वत कितनी क्लोज है ये चौखंबा है ये वाला एरिया चौखंबा क्या मस्त है यार जन्नत है भाई स्वर्ग वो भी निकल पड़ा यहाँ धारा पे पहुँच गया। सबसे बेकार काम किया यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है छाँव हो रही है पानी भर लिया डर लग रही है भाई बहुत ज्यादा और ये हमारे पास भाई हमारी रक्षा के लिए आ रहा है जब से आ रहा है हमारे साथ ही मैं क्या इसके ऊपर पानी गिर दे फिर देखिए कैसे बदला लेता है उसने सुन भी लिया ना पानी गिरने की बात हो रही है रक्षा की भक्षक बन जाएगा बोले आप सब कुछ अलग है इसने ठंडा पानी घेरा मेरे में फिर देख इसके गिरते से पागल है रोनी वो बीमार पड़ जाएगा बीमार तेरे को बीमार करके छोड़ेगा वो इतना मारेगा दिन रात थप्पड़ ही थप्पड़ मारेगा तेरे मैं सच बता रहा हूँ कसम से कह रहा हूँ पानी इतना ठंडा है ना ऐसा लग रहा है अगर सर पे डाले तो सर फूट जाएगा टूट जाएगा क्रैक आ जाएगा सर के ऊपर कैसे बैठा उसके सर पे अगर तू एक लोटा पानी डाल दे तो उसे भनक भी देगा बस यूं देखेगा क्यों हर हर महल 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 वो तो ठीक है लेकिन क्यों क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ हर हर महादेव करंट लग गया क्यों क्योंकि मन कर रहा था सब ना आगे पे मैं ही रह गया फिर मैं तो हल्का से पानी डाल रहा भाई नहा कर आए पैंट बज गई कसम से पूरा कान दर्द होने लगे इतना ठंडा पानी था। सोच लो दिसंबर का टाइम चल रहा है अभी फिलहाल धारा में पूजा के लिए हम जा रहे हैं मैं रेडी हो चुका हूँ रूपाली भी रेडी हो चुकी है गला बंद नथ प्रॉपर उत्तराखंडी गेटअप ले रखा है अभी सारे के सारे रेडी हो रहे हैं और धारा से नहाए ना तो इसलिए एकदम ठंड चढ़ गई शरीर पे सर पे कानों पे इसलिए मैं तो आग के आगे बैठा हूँ यहीं पर आग सीख रहा हूँ। रूपाली भाभी ये सब अभी तैयार हो रहे हैं वो बैंड बाजे वाले भी आ गए वो रे वो बजाएंगे बैंड रूपाली भाई पूरी रेडी हो चुकी है और ये पूरी पूरी इसका गला बंद ये नथ ये चुन्नी ये साड़ी क्या मस्त लग रही है मतलब साड़ी का पल्लू चुन्नी हो गया ना रूपाली तेरे पीछे वो पहाड़ वो गजब गजब कैसा लग रहा तेरे को ये गेटअप सही क्योंकि इस गेटअप में मुझे तो बहुत सही लग रही है अरे बहुत ही ज्यादा प्यारा गेटअप लग रहा है पहले बहुत ही ज्यादा प्यारा मैंने पानी उठाना है अभी इसको उठाना है क्या गागर उठानी है वो उठा के लेकर आनी है धारा की पूजा होनी है अब वो बैंड बाजा जाएंगे बहुत मजा आएगा ये रस्म है जो आज ये पूरी करेगी ढोल बजाना शुरू कर दिया सबने ढोल बजाना यात्रा निकली हुई है सारे के सारे लाइन में जा रहे हैं अब ये देखना रूपाली उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी वैसे तो मुझे पता उठा लेगी भाभी मेरे आगे भाभी वो जा रही रूपाली भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है इस टाइम पे बाकी गैंग पीछे आ रही है
ले जाइए चलो जी हो गया निपट गया शाबाश पूरा ही चक्के ले आई घर तक ही ले आई मम्मी और बोल रहे वहीं पर रोक ले पर रुकी नहीं घर में जाना कैसा रहा ऑल गुड आपका कैसा था एक्सपीरियंस मेरा मस्त मस्त घर दिखाया उसने भाई रूपाली ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया नहीं अभी पहले हम अपने इस देवता के यहाँ पर जा रहे हैं जो ताई जी हैं उन्होंने भी स्थापना कर रखी है वहाँ पर जाएंगे रोड काटेंगे उसके बाद हम जाएंगे अपने ग्राम देवता के पास भैरवनाथ भगवान के पास पहुंच गए हैं ये हमारे भैरवनाथ भगवान ये हमारे भैरवनाथ जी ये हमारे ग्राम देवता है इनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है हमने जाना है जंगल वाले अपने देवता के पास सिद्धनाथ भगवान के पास वो उन जंगलों में वाली जंगलों में जाना चलेगी क्या बात है अब हम जा रहे हैं अपने सिद्धनाथ देवता के पास जंगलों में रहते हैं वहाँ बट वहाँ लड़कियाँ नहीं जा सकती लेडी अच्छी होती है वो लेडीजों पे लग जाती है तो इसलिए लड़कियाँ नहीं जाएंगी नहीं इसलिए रूपाली मम्मी कोई भी आंटी वहाँ नहीं आएगी सिर्फ पापा हम सब परिवार जाएंगे लड़कियाँ नहीं जाएंगी समझ गया वहाँ देवता एडी एचडी वगैरह रहते हैं इसलिए वहाँ लड़कियाँ नहीं जाती सिर्फ सिर्फ लड़के ही जाएंगे यहाँ का रास्ता पूरा जंगलों के बीच से है पूरा जंगलों के बीच से अभी हम यहाँ से करते करते वो जंगलों में पहुँच जाएंगे और तब तक ये ढोल दमो बजता रहेगा क्योंकि भगवान के पास जो जला जा रहे थे स्वागत करें तो बीन बाजे ढोल के साथ होगा सब कुछ तो बजता रहेगा वहाँ तक जब तक हमारे सिद्धनाथ नहीं आ जाते भैरवनाथ के दर्शन कर लिए ऊपर भी कर लिए दर्शन चंडिका माता के कर लिए अब वहाँ तक जंगलों में भी बसते रहेंगे क्योंकि स्वागत में जा रहे हैं ना बस अब हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं थोड़ा सा रह गया सिद्धनाथ भगवान के भी दर्शन हो गए अनु रोनी दर्शन कर रहे हैं वो ढोल धूमो भी ऊपर बज ही रहा अभी भी घर पहुँच गया मैं रूपाली और भाभी मिल गए कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस मुझे बताओ मतलब यहाँ ऊपर ही मिल गए कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस बताओ रूपाली तेरा कैसा रहा क्योंकि तू तेरे लिए थोड़ा डिफरेंस था सब कुछ कैसा रहा जो ग्राम देवता थे उनकी पूजा फिर धारा की पूजा इष्ट देवता की पूजा सब कुछ तुम्हारे यहाँ भी होता है ऐसे सेम है ना पहाड़ी पहाड़ी है सब कुछ तब मुझे पता लगेगा कि पानी घर तक लेके आना है और क्या बोलते हैं ग्राम जो भी होते हैं ग्राम देवता ये सब जैसे हमारे तो हनुमान जी भी है ना उनके वहाँ भी जाना है हर जगह हाँ जो जो रक्षा करते हैं हमारे गांव की रक्षा करते हैं ग्राम देवता वो है भैरवनाथ भगवान सिद्ध देवता सिद्धनाथ हमारे हैं जो इष्ट देवता है ठीक है और फिर जो चंडिका माता है वो पूरी क्षेत्र की माता है जैसे धारी देवी पूरी उत्तराखंड की माता जाते है धारी देवी भी जाना है पूरे के पूरे पैरों पे कुंबर ही कुंबर लग गए चप्पलों पे भी इस पाँव के रूपाली निकाल रही है इस पैर के मैं निकाल रहा हूँ अभी फिलहाल ढोल दमो बजेगा हम नाचने जाएंगे रूपाली भी नाचेगी क्योंकि रूपाली तो नवी बहू है रूपाली मैं भाभी अनु पापा हम सब नाचेंगे और शायद से इधर उधर भी कोई नाचेगा तो देखना ढोल दमो की अब ताकत देखना कैसे नाचते हैं भाई बुजुर्गों में भी कैसे जान आ जाती है अगर नाचेंगे तो वो ताऊजी वगैरह अगर नाचेंगे तो देखना स्वाद आ जाएगा सबको जंप मारनी पड़ेगी यहाँ पौड़ियाँ तो है नहीं चलो आराम से ओ बापे ये है पूरी पहाड़ी लड़कियाँ
रूपाली पापा चावल बना रहे हैं बाहर, वो ना रिकॉर्ड कर लियो कि पापा कैसे चावल बना रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अब सबने खा लिया, अब परिवार वाले लोग यहाँ पर बैठेंगे और वो खाना खाएंगे। रूपाली अभी चाय बनाने जा रही है, तेरे को एक चीज दिखाऊं बड़ी प्यारी। अभी मैं देख वहाँ, अभी मैं देख, अब देखिए इधर हो, थोड़ा देख इधर हो, अब देखियो जो मैं तुझे दिखाने जा रहा हूँ, तुम सब भी देखना। ये देख क्या व्यू है भाई, पूरे का पूरा कैलाश पर्वत, कितना मस्त लग रहा है। रानी की कृपा है हम पे। हर वाली मस्त नहीं है, कैसा था मस्त। देखा सब व्यू कैसा था, बहुत मस्त लग रहा, कितना चमकदार पहाड़ लग रहा है। अभी सारे के सारे किचन में बैठे हुए हैं, रूपाली खाना बना रही है भाभी के साथ मिलके। मम्मी पहले ये बता कि आज की जो रस्म रही कैसी रही? मस्त, बहुत गजब है, बहुत बढ़िया। कोई टिप्पणी? हाँ, जो कोई बहुत बढ़िया लगा, मस्त एकदम। वो उठा के घर तक ही ले आई पूरा का पूरा। वो सबसे ज्यादा वो है, थोड़ी देर आधे रास्ते तक लाने के बजाय रूपाली यहाँ तक, सारे बोल रहे तेरी देसी बहू ले आती कि नहीं ले आती, वो लाने के घर तक पहुँचा दिया। वही तो, मैं तो पता है मेरे को इस टाइम लगा, मुझे लगा आवाज भी मार रही थी पीछे से कि भाई हटा दो हटा दो। हाँ मैंने सुन लिया था, भाग रही है। मेरे को डर पकड़ लेंगे, मैं भाग रही, मैं उनके साथ ही होगी, ढोल वालों के साथ। मैंने हटो मुझे आगे जाने दो, आगे नहीं जाने दे। भाई मेरे को ना सबसे ज्यादा डर होता है कहाँ पता, जहाँ पर वो सेवाल अंकल का घर नहीं है, मुझे लगा वहाँ पतला रास्ता। मैंने कहा हाँ, तो मैंने देखिए एक हाथ से पकड़ी एक हाथ से साड़ी उठाई, और मुझे ये था कि वहाँ मैं भी नहीं चल पाती हूँ साड़ी में जितना रूपाली गई। मुझे वहाँ पर लगा वहाँ पर गिरेगा, बट कमाल कर दिया, काम बन गया। बट ठीक है, इतना तो अन्नू चल सकता था, हम सब में और कोई नहीं चल सकता। मैं तो चलता ही हूँ, अन्नू पर साड़ी पहन के चलता है ना, डेयरिंग बंदा हो। सोचो अन्नू माँ भाभी आपका बंदा साड़ी पहन के जा रहा है घाघर उठा के। पर जो भी था मजेदार था, मजा आया। और रात को मैंने तुम्हें पहाड़ तो दिखाया था, कितना मस्त लग रहा है, क्योंकि मुझे तो दिखा नहीं और मेरे कैमरे में भी शूट नहीं हुआ। चलो ठीक है, रूपाली ने भाई गेम चक्की है, पूरा पूरा पहाड़ी लुक, पूरा का पूरा पहाड़ी लुक चक्का हुआ है। फ्राइड राइस बना, क्या बात है। तो यार हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, फिलहाल अभी हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। सोने से पहले हम दोनों ने डिसाइड करा एक मूवी देखेंगे, तो अभी मैंने अभी अपना लैपटॉप ओपन करा है, तो अभी हम एक मूवी देखेंगे कोई मस्त सी, उसके बाद सोचेंगे। तो आज के व्लॉग के बस इतने, एंड आई होप तुमको मजा आएगा, मजा आया तो कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज का डे बहुत औसम था, रसम सारी कंप्लीट हुई और औसम तरीके से हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।